हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को उस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे जीएससीएल सीमेंट लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, पिछले दिन ये शेयर आपका क्लोज हुआ था 49.40 पे, ओके। एंड उस दिन ये शेयर आपका हाई गया था 51.30 एंड लो गया था आपका 45, ओके। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है रुपीज 440.29 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है आपका रुपीज 396.25 करोड़ एंड आपका पीई रेशियो है 14.09, ओके। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्ट है 38.31 करोड़ का, तो इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.9। अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। यानी अभी कंपनी के पास आपका कैश है रुपीज 82.35 करोड़, मतलब कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 38.31 करोड़ का डेप्ट है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 2.12। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 69.53%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं एंड यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है, देखिए ये जो आपका 69.53% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, तो फंडामेंटली ये एक अच्छा शेयर है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2021 मई के महीने में इस शेयर का प्राइस चला था लगभग 39-40 रुपीज, और यहां से देखिए ये शेयर आपका सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे करता रहा, फिर इस जोन पे आके सपोर्ट लेते हुए फिर से देखिए अभी ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पे सपोर्ट लेते हुए अभी ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट पे, ओके। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ डेली चार्ट ओपन कर लिया है। देखिए कल के दिन में यहाँ पे जबरदस्त आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। और क्या चीज देखने लायक है, देखिए इसी कैंडल ने इस शेयर का 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था। 50 डेज का मूविंग एवरेज को पहले ही तोड़ दिया था और 100 डेज 200 डेज का मूविंग एवरेज को कल के दिन में तोड़ा था, जो कि आपका टेक्निकली एक अच्छा बात है। RSI की बात करेंगे तो RSI जस्ट आपका 60 के लेवल के आया है, जो कि एक अच्छा बात है। NSCD की बात करेंगे तो NSCD 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन 0 पॉइंट से नीचे भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और एक चीज देखिए, NSCD का जो ये व्हाइट वाला लाइन है ये बहुत अच्छी तरीके से मूव चुका है, मतलब NSCD भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ओवरऑल डेली चार्ट में क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे बुलिश साइन दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे, ओके। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे फिर से इस शेयर का बिना इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया, जो ट्रेंड लाइन देख के आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये शेयर आपका अपट्रेंड में है। कैसे, देखिए इस शेयर का प्राइस आपका 2020 मार्च के महीने में था ओनली 13 रुपीज। मतलब क्या, मार्च से अगर देखेंगे तो कितना महीना हो रहा है, 9 महीना, 1 साल 10 महीने के अंदर इस शेयर ने ऑलरेडी आपका 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है शेयर आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर थोड़ा बहुत गिर रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर की तरफ भागा है, अभी देखिए फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मतलब फिर से अभी ये शेयर लगभग मुझे जो लगता है कि इसका जो लास्ट हायर हाई है इसको तोड़ के फिर नीचे आ सकता है, मतलब ये हायर हाई को तोड़ेगा, ये चार्ट ही ऐसा बोल रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट पे, ओके। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए, मैंने फिर से एक आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये आपका पिंक टाइप का, ठीक है। तो देखिए ये शेयर बहुत दिनों से आपका वीकली चार्ट के हिसाब से गिर रहा था, ठीक है। गिरते गिरते इस जगह पे ये आपका था
जनवरी का, मतलब जनवरी महीने का पहला वीक था, ईआरपी एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड इस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया था। लेकिन कैंडल कब फॉर्म हुआ था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए एक कैंडल फॉर्म हुआ था, जो कि एक अच्छा बात है। और अभी देखिए जो आपका वीक खत्म हुआ उसमें भी हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी एशिया आज के डेट में 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। अगर आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी 60 के लेवल को टच कर चुका है। और अगर एनएसईडी की बात करेंगे तो देखिए एनएसईडी भी जस्ट आपका 0 पॉइंट से ऊपर आया है। मतलब ओवरऑल वीकली चार्ट में फ्रेश एंट्री लेने के लिए हम लोगों को क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। ठीक है, दो तीन चीज देखने लायक है। पहला चीज देखिए, ए शेयर बहुत दिन, बहुत महीनों से, एक्चुअली 4-5 महीनों से गिर रहा था। ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड था। गिरते गिरते इस शेयर का कहां पे आया, ए पे देखिए मैंने एक आपका लाइन ड्रॉ किया जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। इस सपोर्ट लाइन के नजदीक आने के बाद इस शेयर ने एक आपका कैंडल फॉर्म किया जिसको बोला जाता है स्पिनिंग टॉप कैंडल। ठीक है, एंड जब भी इस मतलब ऐसा कैंडल फॉर्म होता है तो इसको माना जाता है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। एंड जब भी ये कैंडल फॉर्म हुआ उसके बाद वाला जो कैंडल फॉर्म हुआ देखिए वो आपका पॉजिटिव कैंडल है। मतलब ट्रेंड रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ, कहां पे फॉर्म हुआ, सपोर्ट जोन पे आके फॉर्म हुआ, उसको कॉन्फर्मेशन में मिल गया क्योंकि उसका बाद वाला कैंडल आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो ये एक आपका पॉजिटिव बात है। एंड अगर आपका आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपका अबव 60 और एमएसडी भी 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब ओवरऑल चार्ट की बात करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही बुलिश साइन दिख रहे। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 49-50, अगर इसी रेंज में भी इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 2 से 3 महीने का है तो मुझे जो लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये शेयर आपका 60 का जो टारगेट है वो अचीव कर जाएगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।